और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि चमन लोरालई थर से चांद की शहादतें मिल रही हैं। सेनेटर कोहदा बाबर बलोच ने ट्वीट किया है कि 6 अफराद ने चांद देखा है और सेनेटर साहब ने इन अफराद के फ़ोन नंबर्स भी ट्वीट किए हैं। तो हमारे पास सेनेटर साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम जी। सेनेटर साहब जरा जी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि आप ये फरमा रहे हैं कि आप वहाँ पर मौजूद हैं और आपने अपनी आंखों से चांद देखा है। मैंने अपनी आंखों से चांद नहीं देखा, लेकिन ये जो लोग हैं हमारे, मेरा ग्वादर से ताल्लुक है जी। अच्छा। ये हमारे जो लोग हैं वहाँ पर सारे, ये पसनी, जैसे कि फवाद चौधरी साहब पहले बता चुके थे कि पसनी के एरिया में और जीवनी के एरिया में ये देखा जाएगा, तो पसनी से लेके जीवनी तक के हमें 40 से 50 से ज्यादा लोगों का कांटेक्ट हमारे साथ हुआ है और उन्होंने हमें अभी वो, और उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पसनी में एक मस्जिद है अमीर माविया। अच्छा। उनके तो मौलाना साहब ने देखा हुआ है, वो ऐलान कर चुके हैं कि वो कल ईद मनाएंगे वहाँ पर। अब हमारे लोग जो ईद मनाने जा रहे हैं, अब हम उनके साथ अपने लोगों के साथ उनकी गवाही को मानते हुए ईद मनाए या इंतजार करते रहे कि लोगों की हमारी गवाही किसको। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ कंटिन्यूसली पिछले आधे घंटे से, हाँ, एक घंटे से बल्कि अब तो, कि मैं किसी से कांटेक्ट करूँ, मुझे शहादतें हमारे लोगों ने देनी है, वो शहादतें कहाँ दे। सेनेटर साहब, आप जाहिर है कि आप शहादतें देनी है वो कहाँ दे। ऐवान बाला से ताल्लुक रखते हैं और ऑब्वियसली आप रब्ता कर सकते हैं जोनल कमेटियों से या मरकजी कमेटी से। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, कौन सा फोन नंबर है, एक फोन नंबर दिया हुआ है, वो अटेंड नहीं होता, कॉल वहाँ पे कोई रिसीव नहीं करता। लोगों को पिछले 2-3 घंटों से, बल्कि मैं कह रहा हूँ जब से तकरीबन 7:45 पे ये देखा गया है चांद हमारे लोगों ने, तब हमसे गवाहियां देना शुरू कर दी हैं। आप डिप्टी कमिश्नर ग्वादर से भी पूछ सकते हैं, उनका भी वहां पे, उनको भी बहुत सारी शहादतें मिल चुकी हैं, लेकिन कोई जरिया बताएं, कोई ऐसा नंबर आप ही लोग बता दें, वो बता दें कि हमारे लोग कहाँ। मेरी आपकी तवज्जो से मैं जोनल कमेटी वालों से सवाल करता हूँ कि हमारे जो ये 40-50 ये भी सारे मुसलमान हैं बलोच, ये जो गवाही दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अमीर माविया पत्नी का जो मौलवी है, जो वो इमाम है, वो भी देख चुका है, उसके साथ कई लोगों ने देखा हुआ है, आप बताएं हम कहाँ शहादतें दे रहे हैं। अच्छा, तो जाहिर है कि जो रोयते हिलाल कमेटी है वो मुल्क में एक रिप्रेजेंटेशन कर रही है और मुल्क में उसको ये एक ओहदा दिया गया है और ख़ास तौर पर ये फ़र्ज़ दिया गया है कि वो चांद की रोयत के हवाले से ऐलान करें। ये बात ठीक है कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी ऐलान किया जा चुका है, लेकिन जो वज़ीर मज़हबी उमूर हैं वो इस हवाले से बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म भी अगर फॉलो करेंगे तो वो मुफ्ती मुनीब साहब को फॉलो करेंगे, तो इस हवाले से क्लैरिटी। हम यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम मुफ्ती मुनीब साहब को एटलीस्ट शहादतें देना चाहते हैं, हमें बता दें हमारे ये 40-50 लोग जो ग्वादर डिस्ट्रिक्ट से जिनका ताल्लुक है, पसनी और ये जीवनी और बहुत सारे इलाके जितने भी हमारे ओरमाड़ा में भी लोगों ने देखा हुआ है, वो शहादतें देना चाहते हैं। आप हमें बताएं हम कहाँ शहादतें दें। हमारा सवाल ये, बलूचिस्तान की तो रोयत लाल कमेटी की तो माशाल्लाह से ये बात है कि उन्होंने किसी से पूछे बगैर ही अपना वो खत्म हुई, मैंने टीवी में ही देखा तो उन्होंने तो खत्म कर दिया, कहीं से नहीं शहादतें भी। चलें ठीक है, इस हवाले से हम आपको नंबर्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि असल बात यह है, अहम बात यह है कि इस हवाले से अगर कंसेंसस से फैसला हो जाए, क्योंकि मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा है, चमन से भी बताया जा रहा है कि 3 शहादतें अब मौसूल हुई हैं। अख्तर गुलफाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अख्तर गुलफाम बताइएगा, चमन से ईद का चांद देखने से मुतालिक 3 शहादतें मौसूल हुई हैं। देखिए जी, चमन के मकामी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त मौलाना आफिज मोहम्मद यूसुफ की सरबराई में जारी है, जिसमें जैद उलमा कराम शरीक है जिला भर से। अब तक मकामी रोयत हिलाल कमेटी को जो है वो 3 शहादतें मौसूल हुई है, जबकि 1 दर्जन से जायद दीगर जो शहादतें हैं वो देने के लिए लोग मकामी रोयत हिलाल कमेटी के पास आ रहे हैं। यहाँ पे भी यही गिला किया जा रहा है कि जो जोनल कमेटी है उसने तो क्वेटा में ऐलान कर दिया गया है के जो शहादतें उनको मौसूल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जब इनका फोन मिलाया जा रहा है तो इनका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। कारी अब्दुल रशीद साहब का मोबाइल जो है वो बंद जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो मकामी रोयत हिलाल कमेटी के वाले हैं इनका ये भी कहना है कि जो कराची का नंबर इन्हें दिया गया है वहाँ से भी इनका फोन अटेंड नहीं हो रहा है। तो अख्तर गुलफाम, क्या वजह है, राबता क्यों नहीं हो पा रहा?
देखिए जी, यहाँ पे अक्सर ये शिकायतें हमें मौसूल होती रही है। अब माजी में भी अगर हम देखें तो जो मरकजी रोहित हिलाल कमेटी है वो बुलिस्तान को ये अक्सर नज़रअंदाज इस हवाले से करते हैं, और कभी भी बुलिस्तान की जो शहादतें हैं उनको मौसूल नहीं किया गया है या उनसे शहादत नहीं ली गई है। यहाँ पे जो हमारे जैद उलमा इकराम है, जो जोनल कमेटी के सरबराहान है, जो मकामी रोहित हिलाल कमेटी के सरबराहान है, इनका हमेशा ये गिला और शिकवा रहा है कि इनकी जो शहादतें हैं वो मौसूल नहीं की जा रही है। ये यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, इस मसले का अंदाजा सरे से नहीं हो रहा है कि असल में मसला है क्या, कि क्या बलूचिस्तान की जो शहादतें हैं क्या वो यहाँ पे रोजादार नहीं है, मुसलमान नहीं है, या वो पाकिस्तानी नहीं है, कि इनकी जो शहादतें हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उनको सुना नहीं जाता है, उनको मौसूम नहीं किया जाता है। यहाँ इस वक्त मकामी रोहित हिलाल कमेटी जो चमन के हैं, यहाँ पे 3 शहादतें हाज की और 1 दर्जन से ज्यादा जो शहादतें हैं वो आ रहे हैं, रास्ते में है। चमन के इलाके हैं तोबा किजई और आसपास के जो दीगर इलाके हैं, यहाँ से मैं अफतारी से लेकर यहाँ मकामी रोहित हिलाल कमेटी के साथ इस इजलास में शरीक हूँ, और यहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा जो अपराध है उन्होंने रास्ता किया है और वो रास्ते में आ रहे हैं यहाँ मकामी रोहित हिलाल कमेटी को शहादतें देने की। ठीक है, चमन में मकामी रोहित हिलाल कमेटी को 3 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं और मकामी कमेटी को मजीद लोग शहादतें देने के लिए आ रहे हैं, जबकि जोनल कमेटी के राबते की कोशिश की जा रही है मगर वहां पर फोन बंद जा रहा है, राबता नहीं हो पा रहा है। चमन से ईद का चांद देखने से मुतालिक 3 शहादतें मौसूल हुई हैं और पसनी मीर रहमत मोहल्ला है जहाँ पर चांद देखने की शहादत मौसूल हुई है।